एक और चीज देखने भाई, उमर गुल की जानिब से एक बयान आया। उमर गुल हमारे एक फास्ट बॉलर है, उन्होंने शादाब की इंजरी पर सवाल उठाया है। उनका ये कहना था कि इंजरी कोई इतनी खास उनको नहीं लग रही थी, क्योंकि उसके बाद वो ड्रेसिंग रूम में नजर आते रहे और जैसे ही पाकिस्तान टीम जीत के करीब आई तो वो आके अपनी टीम को चेयर भी करने लगे। एक सीनियर खिलाड़ी थे, उन्हें मैच में जाना चाहिए था, लोग टूटे हुए हाथ के साथ भी चले जाते हैं। क्या कहेंगे इस पे आपके? शादाब की इंजरी वो कह रहे कोई इतनी सीरियस नहीं थी कि वो बाहर हो गए। इसमें नसीम भाई ये तो नहीं था कि शादाब ने बैटिंग अच्छी कर ली थी थोड़ी तो उन्होंने कहा मेरी बॉलिंग तो चली नहीं है, मैं आऊं नहीं? क्या कहेंगे इस पर? उमर गुल अगर ये बात कह रहे हैं तो उमर गुल ने बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद ये बात कही होगी। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आप, उसमें शायद उनको ऐसी इंजरी हुई होगी। देखें उस वक्त 10 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट थे, शादाब जितने 10 ओवर उसामा भी कर सकते थे। आप एक ही जैसी बॉलिंग कर रहे हैं, को 19-20 ही फ़र्क है, को बहुत बड़ा फ़र्क तो नहीं है, कभी कभी तो बिल्कुल सिमिलर दिखाई दे रहे होते हैं। ऐसे में एक अनफिट और एक फिट, दोनों में फ़र्क हो जाता है। हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद था कनकशन का, पहले प्लेयर थे जो हमने कनकशन का रिप्लेसमेंट लिया इस वर्ल्ड कप के उस वक्त मुझे। लेकिन जिस तरीके से शादाब फिर बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आते, आप लोग देख रहे थे ना लोग, अच्छा फिर उस वक्त तो अगर ये मैच जीत जाते तो कुछ भी नज़र नहीं आता। उमर गुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं भाई, अगर आपको इंजरी हुई है, लोग कह रहे हैं कि शादाब की बॉलिंग टीम मिस कर रही है यहाँ पर, और शादाब सामने बैठ के हंस रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, तो फिर वो अजीब सा लगता है। आप अंदर जाके बैठ जाए, पता चले कि एक खिलाड़ी को रिप्लेस किया गया। हाँ, बिल्कुल। और फिर सबसे बड़ी चीज़ कि आपने इस कॉम को हंसने के मौके कितने दिए, इसलिए जब आप बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है। मैं एक वीडियो भी जो है ना वो अगर हमारी प्रोडक्शन में, मैं आपको दिखाऊंगा कि इंडिया के खिलाफ मैच में भी जो है वो, ये हमारी एक्सक्लूसिव फुटेज है, इंशाल्लाह उसको दिखाएंगे।